पहले तो जानना चाहूंगा कि मैम का बर्थडे, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर विद हर, और क्या कुछ विशेष देना चाहोगी? इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड स्वीटी मैम, और आई डोंट कॉल हर मैम, आई कॉल हर बंटी, बिकॉज हम लोग जब शो कर रहे थे महाराणा प्रताप, सो ऐसा होता ना कि जिसकी शादी हो चुकी है उसे आंटी बुलाओ, तो मैंने कहा आंटी, तो शी सेड नो कॉल मी बंटी. तो उनका वो स्टाइल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग. आप अगर उनको देखोगे तो आपको उनका ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का या जो भी है, आप अगर आप देखोगे तो यू विल गेट इंस्पायर्ड, आई गेस. एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर शो? इट्स गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, इज गेटिंग वेरी गुड, स्पेशली योर कैरेक्टर. आई एम ग्लैड दैट पीपल आर लविंग द शो धर्म योद्धा गरुड़. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब 7:30 का टाइम हो गया है एंड पीपल आर स्टिल वॉचिंग, दे आर नॉट मिसिंग द शो. सो बहुत अच्छी एक बूस्ट मिलता है हमें एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, और परफॉर्म कर पाते हैं हम लोग. सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट गाइस, प्लीज सपोर्ट माय शो. एंड व्हाट डू यू वांट टू से, बिकॉज़ वी हैव सीन यू इन अ डिफरेंट रोल्स, स्पेशली यू कम अप विद डांस रियलिटी शो विनर, एंड नाउ यू आर डूइंग दिस शो, टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी. द जर्नी इज ब्यूटीफुल, और ये जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई, ये चलती रहेगी. डांस से मैं मिस करता हूँ एक्चुअली डांस करना, बिकॉज एक्टिंग में आने के बाद डांस बहुत रेयर चांस मिलता है. सो अभी जो मैं शूट करके आ रहा हूँ वो एक्चुअली डांसिंग वीडियो के लिए ही मैं कर रहा हूँ. सो ये जर्नी जो है ये देखे बगैर, सोचे बगैर ये चलती जा रही है बस. बट इतनी अच्छी बात है कि दैट आई एम स्टिल डांसिंग एंड एक्टिंग एट द सेम टाइम. आई होप मैं सिंगिंग में भी अपना झंडा, अपना परचम ले रहा हूँ. और आने वाले समय में क्या कुछ टैलेंट, स्पेशली आपके रोल को क्या कुछ नया किरदार देखने मिलेगा? सो बेसिकली सबको पता है अगर समुद्र मंथन होता है तो अमृत निकलता है, और ये बहुत सारे स्टोरीज में दिखाया जाता है, बहुत सारे शोज में. सो ये ट्रैक हमारे शो में भी आ रहा है, समुद्र मंथन होगा. जो मंदराचल पर्वत, जो मंथन के लिए मथनी यूज़ की गई थी, वो एक्चुअली गरुड़ उठाकर लेकर आए थे. जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाकर लेकर जाते हैं, वैसे गरुड़ ये मथनी उठाकर लेके जाते हैं. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है. ट्रेलर आउट हुआ है, प्रोमो आउट हुआ है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा. मुझे अब तक का मेरे शो का बेस्ट ये प्रोमो लगा है. सो आई होप जिस तरीके से हम शूट कर रहे हैं वो भी अच्छा एग्जीक्यूट हो पाए और आप लोगों को अच्छा पसंद आए. एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट खतरों के खिलाड़ी, जन्नत इज योर फ्रेंड, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ आपकी बात हुई खतरों के खिलाड़ी में जा रहे थे तभी? नहीं नहीं नहीं, बातचीत तो नहीं हुई है, बट आई विश ऑल द बेस्ट. एंड बहुत सारे दोस्त भी गए हैं, शिवांगी, फैजल, फैशू. सो आई एम एक्साइटेड कि वो लोग कैसे खेल पाएंगे, और मुझे थोड़ी थोड़ी सी बीच में न्यूज़ मिल रही है कैसा चल रहा है वहाँ पर, कैसे नहीं. सो आई होप कि जब वो टीवी पर आए तो हम उसे अच्छे तरीके से देख पाए, और वो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया, आई एम श्योर. कोई आपके लिस्ट फेवरेट, एनी फेवरेट पर्सन? खतरों के खिलाड़ी, माई फेवरेट पर्सन आई गेस शिवांगी जोशी है. आई थिंक शी विल डू ग्रेट, मतलब नॉट आई डोंट नो कितना कर पाएगी, बट हाँ बहुत अच्छा कॉन्टेंट दे पाएगी. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक्स अ लॉट. बिकॉज मैंने अब कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड था उसके बाद मैंने समझ लिया कि अपने गाँव है और पराए गाँव है. यहाँ मेरे सिर्फ अपने लोग हैं जिनको, जिनके लिए मैं मैटर करती हूँ और जो मुझे बहुत मैटर करते हैं. Get emotional because makeup kharab ho gaya. So thank you so much, I love you everybody. Mummy sab fine bhai, are tu dusyo kar raha hai.